पूरे 2 साल ते मन ई बुक ठाई है। 2 साल हो गए मन पढ़ाई छोड़े, और अभी ट्राई कर रही हूँ फिर से, क्योंकि वो बात है पैसे कुछ भी करवा सकते हैं पैसों के लिए। तो टाइम कितना हो गया, तो टाइम का पता नहीं कितना हो गया, 5-4 बज गए होंगे मेरे हिसाब से, तो ना टाइम 4 का हो गया है। बैठे हैं ऊपर और नाइशा बैठी है मेरे पास। अभी शाम के बज गए 5:30-6:30, और ये निकाल के रखे थे मैंने, शादी में जाने के लिए तैयार हो रही थी। फेशियल कराया सुबह, सिर सर धोया, नेल पेंट लगाई, वरना मैं कभी नहीं लगाती, आपने देखी होगी। मतलब तैयार हो रही थी कि शादी में जाऊंगी। और ड्रेस दिखा दूँ आपने, ड्रेस निकाल ली, तो ये देखो ये मैंने अपनी ड्रेस निकाली पहनने के लिए, इसमें इसके ब्लाउज वगैरह हैं, तो मैंने ये बेड में तो निकाले। और कल रात को ही मैंने फेशियल कराया था, देखो ये भी अभी यहीं पे रखे हैं, अंदर नहीं रखे हैं मैंने। तो देखो शादी में जाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड, शादी में जाऊंगी फिर लेके ही नहीं गए क्या करूं, बहुत मन था। अब भी रोटी बनाने का भी मन नहीं है कि पता नहीं वहाँ पे क्या हो रहा होगा, मतलब बहुत मन करता है मेरा। सोचा कि बहुत दिन हो गए टेंशन में, और जाएंगे तो थोड़ा मन खुश हो जाएगा। और मतलब होता है ना कि कई दिन हो गए थे शादी का खाना खाए हुए भी, मन कर रहा था बहुत ज़्यादा कि शादी में जाऊंगी, इसके पापा आए नहीं और ये लेके नहीं गए मेरे को। मन सा उदास हो जाता है, सोचा आप लोगों से शेयर कर लूँ। देखो नेल पेंट सब कुछ मैं तैयार हो गई थी, सुबह मैंने सिर धोया, आज 2 घंटे तो मैं नहाने में लगाए, आज 2-3 बाल्टियाँ तो नहाई हूँ गर्म पानी, और फेशियल करा, क्या करूँ पता नहीं। शायद इनको क्या, तो कोई डर था कि वहाँ पे जाके कुछ बता ना दे आपकी बात, तारी बात नहीं ले। उदास था, एक रेड सूट निकाला था कि अगर ये पहन के देखूंगी क्रॉप टॉप, ही अच्छा नहीं लगा तो रेड सूट पहन लूंगी, तो रेड मैंने नेल पेंट लगाई, नेकलेस निकाला मैंने, कितनी खुश थी मैं, सारे सपने टूट गए। अब खाना खाने का भी मन नहीं कर रहा कि मैं खाना बना के खाऊं, वो पता है अड़िया दड़िया चुन चुन के ऊपर आके पड़ना, गलती खुद करे हैं, हम कुछ कहते ना फिर भी मारा नाम आ जाए, मेरा ना किसी जिंदगी लेके आए, पता ही नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। सच बताऊँ तो कुछ भी मन नहीं कर रहा खाना खुना खाने का, मतलब उदास सा ऐसा होता है ना कि सब चले जाएं और आपको अकेले छोड़ के चले जाएं, कितना बुरा लगता है ना। और ये देखो ये ईयरिंग निकाले थे, और अब की बारी मैंने लेके आई थी, मैंने इसके पापा को बोला था कि शादी में पहनने के लिए, तो ये देखो ये पहन के जाती मैं रेड वाले सूट पे, अगर क्रॉप टॉप पहनती तो दूसरे पहनती। मैंने ये खुद भी अपना सब कुछ निकाल के रख रखा था कि मैं पहन के जाऊँगी, ये देखो क्रॉप टॉप पे ये पहन के जाती, सारे सपने टूट गए। अभी मैंने आटा लगा दिया है, और मक्के का देख लो, मक्के का है सब्जी है, क्योंकि खाने का तो मन नहीं कर रहा था भाई, क्योंकि होता है नहीं हो कि सब चले जाऊँ रह जाऊँ जब, लेकिन फिर ससुर जी हैं तो उनके लिए तो बनाना पड़ेगा खाना, क्योंकि वही बात है कि उनको तो भूखा नहीं देख सकते। और मेरा यही हमेशा होता है कि अपने फर्ज से मैं कभी पीछे नहीं हटती, और जो सच रहता है वो सच, और जो झूठ है वो झूठ है, लेकिन फिर भी कोई सपोर्ट नहीं करता, मतलब कि हाँ, लेकिन वही बात है किसी का कितना ही कर लो कोई फिर भी यूँ नहीं कहता कि हाँ ये सही है ये गलत है, लेकिन मैं अपने फ़र्ज से कभी पीछे नहीं हटती, क्योंकि जो है चलने दो भगवान, क्या देर है भगवान के घर, देर है अंधेर है देर नहीं है, वो सब देखता है कौन कैसा है कौन नहीं है, तो उसी पे मैं भी भरोसा करके चलती हूँ। और दुख हुआ थोड़ा सा, लेकिन कोई नहीं, अपना रोटी बनाए खाओगे मक्के की। और ये भी नहीं है कि भाई मैंने आटा मैं लेके आई थी सिर्फ एक पैकेट मक्के का, कि भाई मैं अलग रोटी मतलब बना के खा रही हूँ दूसरों को, नहीं, जो मैं रोटी खाती हूँ मक्के की खाती हूँ, तो मैं सभी को मक्के की, ऐसा भी नहीं है कि, तो कोई नहीं भगवान। तो रोटी बनाने लग गई हूँ, लाल मिर्च की चटनी बनाई हूँ, देख सको ये लाल मिर्च की चटनी, एकदम सब्जी है, और मक्के की रोटी घी गाल के खाएंगे लस्सी साथ, मजे आएंगे, देसी कोई ले जाओ तो ले जाओ, बाट में जाओ,
अपना देसी खाना खा लो। मक्के की रोटी, ऊपर चटनी है घी पे, और सब्जी है, लस्सी है, नाइशा का इधर दूध है, तो अपना खावाएंगे भाई, और क्या करें। तो आप लोग भी खा लो खाना, ये देखो। और इसके पापा को बताऊंगी, नहीं वो कहेंगे कि शादी में क्यों नहीं गई, उनको तो यही कहूँगी भाई मेरे पैर में हाथ में दर्द हो रहा था, क्योंकि वरना फिर उनको पता चलेगा भाई घर में इतना इसके साथ इतना वो हो रहा है, कौन पति चुप चुप बैठेगा ये सुन के। तो इसलिए मैं उनको नहीं बताऊँगी, वो वीडियो देखते हैं मेरी, लेकिन वो आवाज़ सुनते नहीं है, इतना मेरे को पता है, वो म्यूट करके देखते हैं, तो उनको पता नहीं चलेगा। उनको यही कहूँगी कि मेरी हालत तबीयत ख़राब थी इसलिए नहीं गई मैं। तो अपना रोटी खाऊँगे, आ जाओ आप भी। मन था बहुत सारे दिन, मतलब बहुत दिन हो गए थे कि जिमन, मतलब वो जिमन का मन कर रहा था शादी का खाना खाने का, लेकिन क्या करें।